यमन के होसी बागियों ने इसराइल के शहर ईलात को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। होसी ग्रुप की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने खलीज अदन में इसराइली जहाज पर मिसाइल हमला किया है। बुहेरा अहमर के दाखिली रास्ते के करीब खलीज अदन में इसराइली कार्गो जहाज एमएससी सिल्वर को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया है। होसी फौज के तर्जुमान याया सारिया ने इसकी वजाहत नहीं की, लेकिन एक बयान में उन्होंने कहा कि होसी ग्रुप ने बुहेरा अहमर और बुहेरा अरब में मुतअद्दिद अमरीकी जंगी जहाज़ों के साथ साथ जनूबी इसराइल के कस्बे ईलात के मकामात को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब इसराइली ज़राए के मुताबिक इसराइली एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने होसियों की जानिब से मारे गए मिसाइल को मार गिराया था। ताहम सायरन बजने से इसराइली जनूबी शहर ईलात में शहरियों में खौफ व हरास फैल गया था। ख्याल रहे कि यमन के होसियों ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों के रद्द अमल के तौर पर सहयूनी फोर्सेस के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है और होसी अब तक इसराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुके हैं। उनका कहना है कि अगर इसराइल ने गजा पर हमले रोक दिए तो बैन अलक्वामी जहाज़ों समेत अमरीका और बरतानिया इसराइल के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।